नेचुरल तरीके से बालों को अगर काला बनाना चाहते हो तो आज हम यूज़ करने वाले हैं प्याज का। जी हाँ दोस्तों, प्याज में बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बाल हमारे टूटते भी नहीं है, झड़ते नहीं है। जैसे कि नए बाल अगर आना हो ना तो बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारे बाल आ जाते हैं। प्याज की वजह से हमारे बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है। आपको क्या करना है, इनके छिलकों को निकाल दीजिएगा अच्छी तरह से, और ये कोई मीडियम साइज़ का प्याज नहीं लेना है आपको, अच्छा खासा एक बड़ा प्याज लेना है। ठीक है, ये ऑनियन आपको ले करके इस तरह से, और हम क्या करेंगे छोटे छोटे पोर्शन में इसको मैं कट करूँगी, ताकि मैं इसका मिक्सी ग्राइंडर में ही डाल करके पूरा अच्छी तरह से छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में कट करके आपको इसका मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके एक अच्छा सा इसका जो रस होता है प्याज का वो ले लेना है आपको। ठीक है, तो टाइटल से तो आपने गेस कर लिया। मैं आप लोगों को शैम्पू बताऊंगी किस तरह से प्याज के शैम्पू आप बना करके घर पे लगा सकते हो। मार्केट में कोई ऐसे केमिकल वाली शैम्पू लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे एक मिक्सी जार में डाल करके थोड़ा पानी डाल करके, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा एक चम्मच पानी डाल करके अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए बहुत ही बारीक सा इसको पीस लेना है हमें। अभी आपको एक इस तरह से कप लेना है, मतलब कोई भी स्टील का एक ग्लास या फिर कोई कप ले लीजिए, और ये जो प्याज है इसको डाल करके इसका जो रस है उसको आपको ले लेना है। ठीक है, तो एक से दो बड़े चम्मच या तीन बड़े चम्मच, बड़ा प्याज लोगे तो आपको चार बड़े चम्मच के तकरीबन, मतलब चार से पाँच बड़े चम्मच के तकरीबन आपको ये प्याज का रस मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको हम स्क्वीज कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये जो रस है, ये देखिए प्याज का जो रस है, ये आपको ले लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो ना, तो ये प्याज के रस में बस वो शैम्पू आपको, ये देखिए मैं शैम्पू ले रही हूँ, ये शैम्पू एक चम्मच आपको लेना है, और इस प्याज के रस में आपको ये शैम्पू मिक्स कर देना है। जब भी आप अपने बालों को वॉश करती हो ना, तो इस तरह से करिए। इसे मैन वीमेन बच्चे सभी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रिकॉशन रखिएगा कि थोड़ा सा ये जलता है, तो फिर थोड़ा आराम आराम से आपको इसको यूज़ करना है। मीन्स आप बाल पीछे की तरफ करके इसको करिए। ठीक है, इसके अगर खुशबू आपको पसंद नहीं आती है फ्रेंड्स, तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, इसकी खुशबू अगर पसंद नहीं आती है तो फिर आप यहाँ पर कोई भी इसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हो, रोजमेरी ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल, इसेंशियल ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो। रोजमेरी तो हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं यहाँ पे रोजमेरी का जो इसेंस है उसमें डाल दूँगी। ठीक है, 10 बूंद इसे डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है इसकी खुशबू प्याज की, तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रोजमेरी इसेंशियल ऑयल डाल दिया। बस आपको ये शैम्पू इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, इसमें जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट जाएगी वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ज़्यादा करके तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं रतन जोड़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर आधे चम्मच के तकरीबन आपको रतन जोड़ भी ले लेना है। रतन जोड़ और जटामानसी, सॉरी ये जटामानसी है, मैंने इसका पाउडर बना के रखा है। मैं तो जटामानसी को मैं ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये पूरा ब्लैक फॉर्म में होता है, जिससे हम अपने बालों को नेचुरली काला होते हुए रीग्रो देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स जटामानसी। तो जटामानसी का आप जितना यूज़ करोगे ना, उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा है। ये आपके बालों की जो सफ़ेदी होती है उसे रोकथाम करती है, बालों के सफ़ेदी को होने नहीं देती है बहुत जल्दी से। अगर इस तरह से हमने शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना फ्रेंड्स, तो फिर बहुत ही अमेजिंगली हमारे जो बाल जल्दी जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। तो ये अच्छी तरह से इसको डिसॉल्व कर लेना है, ताकि ये लम्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ये लम्स ना रहे। और अपने बालों पे देखिए इस तरह से आपको ये कलर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये नेचुरल कलर होता है जटामानसी का, ब्लैक कलर में ही होती है, एकदम जटाओं की तरह बाल, जैसे आपने शिव जी के देखे ना बिल्कुल वैसे ही इसकी जटाएँ होती है फ्रेंड्स। आप कभी इसका पेड़ देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और बालों के लिए ये जटाओं की तरह काम करता है। आपके बाल अगर बहुत पतले हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं, तो जटामानसी आप ज़रूर यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे दो से तीन चीज़ों का ही यूज़ किया है फ्रेंड्स, जिसको हमें अप्लाई करना है अपने बालों पर।
नॉर्मली क्या करना है, बाल जब भी जैसे आप वॉश करते हो, अपने शैम्पू लगाते हो, बिल्कुल उसी तरह से ये शैम्पू आप बनाइए प्याज का, और वैसे ही नॉर्मली अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन करिए, ठीक है। और हफ्ते में 3 बार इसे यूज़ कर सकते हो सॉरी, हफ्ते में 3 बार यूज़ करने से ये आपके बालों को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन देगा। जल्दी जल्दी से आपके बाल जो है जब बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके काले बाल काले बने रहें, तो फिर आप बहुत ही अमेजिंगली ये है फ्रेंड्स। और बालों के लिए अगर मैं बात करूँ, जिनके बाल टूटते हैं झड़ते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बालों की लंबाई बहुत अमेजिंग हो जाती है प्याज, और इस तरह से आप इसका यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो इसे नॉर्मली जैसे शैम्पू करते हैं वैसे लगाना है आपको। सारी इंग्रीडियंट्स आपको सामने मैंने आप लोगों को बता दी है, बिल्कुल वैसे करिएगा। और कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और इस तरह से आप शैम्पू बना करके लगाओगे तो आपके बाल जल्दी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।